हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हिंदी ग्राफिक्स। अच्छा, क्या ये गेस कर सकते हैं कि ये कैसे बना हुआ है? ये क्या चीज़ दिख रहा है? ये एक बॉल बना हुआ है। अब बॉल के चारों तरफ जो है टाइपोग्राफी अंदाज में कुछ लिखा हुआ है, जैसे लोगो, कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, पब्लिकेशन, बिजनेस, फ्लायर, तो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है ना। ये किस तरीके से बना होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? हमने क्या किया है, एक टाइपोग्राफी अंदाज में मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। वो टेक्स्ट ये है, ये चीज मैंने बना रखा है। इसे एक बना करके इसको बार बार मैंने इधर उधर लगा के मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद क्या किया है, ये पहले तो ये बता दूं मैं कि ये लेंस इफेक्ट के जरिए सब बनता है। और इसका टूल कहाँ होता है, कैसे आता है? हम इफेक्ट में जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है लेंस, है ना। ये ऑल्ट F3 से भी आता है, ऑल्ट F3। तो मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है, ये रहा आपका। तो ये मैंने बना लिया। अब मैं दूसरा बना के आपको दिखाता हूँ, जिसे मैंने इसकी कॉपी किया। अब एक हमने सर्कल लिया, ठीक है, एकदम राउंड सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे जाएंगे, इसमें लिखा है फिश आई। पहले मैं ये बना के दिखा दूं, फिर उसके बाद में सारी चीजें मैं दिखाऊंगा कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ब्राइटन है, कलर रेड है, कलर लिमिट है, कस्टम कलर मैप, आई फिश, सॉरी फिश आई, ये बहुत सारी चीजें दिख रही हैं इसमें। इसका भी यूज अभी बता दूंगा क्या क्या होता है। जो बहुत खास बात है वो फिश आई वाला ऑप्शन होता है, मैं इसका यूज बता देता हूँ। फिश आई कैसे कहाँ भी यूज किया जाता है। तो ये हमने ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते ही देखिए ये कैसे बन गया, ये अब लग रहा है ना, ये उभरा उभरा सा। और इसको अगर हम इधर उधर करेंगे, ये अब यहाँ पे हट गया। अब कैसे दिखने लगा, अब कैसे दिखने लगा, अब देख रहे हैं ना। ये जहाँ आपको सही लगे, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये लुक अच्छा आ रहा है या ये लुक अच्छा आ रहा है, तो वहीं पर क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रोजन, फ्रोजन लिखा हुआ है, या इसको जो है इसकी डेप्थ और कम ज्यादा करना हो तो यहां से हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अप्लाई करेंगे, ये देख लीजिए इसकी डेप्थ जो है थोड़ी और ज्यादा हो गई। तो अब इसको हमने क्या किया, फ्रोजन किया। फ्रोजन करने के बाद अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। देख ली ना कितना जबरदस्त, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये देख लीजिए ये एक बॉल बन गया है ना। अब इसको हमने क्या किया, कंट्रोल यू कर दिया। कंट्रोल यू करने के बाद इसमें ऑलरेडी एक ये आउटलाइन दिख रही है ना, आउटलाइन ये दिख रही है, इसको आप हटा सकते हैं। तो इसके अंदर एक सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है। अब उस सर्कल में हम क्या करेंगे, यहाँ F11 हमने प्रेस किया, यहाँ पर मान लीजिए ग्रे स्केल में हमने कर दिया 40% ग्रे स्केल, ठीक है, 40% कर दिया। और यहाँ पर हमने कर दिया कितना, यहाँ पे हमने कर दिया 15%। और थोड़ा ऐसे करके अब इसको हम लेते हैं राउंड वाला, ये राउंड यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सा और कम कर लीजिए, 10% कर देते हैं, 10% कर दिया। अब इसको जो है 40 के बजाय इसको हम कर देते हैं 30%। आपको ऐसा लुक दिख रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अब लुक बन गया इसका। या इसको और भी कम कर सकते हैं, कम करने पे कितना दिखेगा, कैसे दिखेगा। 25 हमने कर दिया है ना, तब भी ठीक लग रहा है, अब लगभग ये अच्छा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब चाहें तो ये शेडो देने के लिए, इसका नीचे शेडो, ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे जाएंगे, अब इसको ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर के इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद ये इलेप्टिकल फाउंटेन, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसमें क्या देखना है मुझे कि इसको हमें 100 करना है और इसको हमें 0 रखना है, इसको हमने बैक में कर दिया। अब लग रहा है ये रखा हुआ है। अब इसमें और थोड़ा सा लुक देने के लिए इसको हमने ग्रुप कर दिया, थोड़ा सा इसको हमने तिरछाई से कर दिया,
ए ए है ना। अब जबरदस्त लग रहा है ये, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका भी बहुत यूज है, बहुत जगह काम आता है ये, ठीक है ना। और इसके अलावा आप दूसरे ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है। अब जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब एक एक ऑप्शन देखते चलिए क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पे रखा हमने ये पहला ऑप्शन, ब्राइटन किया, ब्राइटन अप्लाई किया। अब ये ब्राइट दिखा रहा है, मतलब हल्का सा थोड़ा सा फेड कलर दिखा रहा है ना, फेड दिखा रहा है। अगर कोई कलर भी चेंज करते हैं तब भी सेम ही कलर में दिखा रहा है, हमने येलो कर दिया था तब भी वही सेम कलर दिखा रहा है। और इसका रेट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा लाइट दिखाना है, ज़्यादा डार्क दिखाना है, तो यहाँ से कम या ज़्यादा, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन में, कलर ऐड, कलर ऐड किया तो ऐसे दिखने लगा। अब यहाँ पे ब्लैक के बजाय अब रेड कर देते हैं, अब क्या दिख रहा है, थोड़ा सा रेडिश दिखने लगा ना, थोड़ा सा रेडिश। जहाँ जहाँ पे कलर है, यानी कि जो यहाँ पे कलर अप्लाई किया गया इस बॉल में, वहीं वहीं पे कलर दिखाएगा। अगर इसको बाहर रखेंगे बिल्कुल प्लेन दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा कि क्या है ये, है ना। यहाँ पर रखेंगे तभी अप्लाई होगा ये, ठीक है। इसका परसेंटेज कम या ज़्यादा करके हम देख लेते हैं, ठीक है ना, ये कैसे दिख रहा है। इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई चीज़ लिखा होता है, कोई चीज़ बना हुआ है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में कभी कभी आता है ये, तो ये कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे कुछ या लेंस है या कोई और कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ अलग कलर दिख रहा है और यहाँ पे अलग कलर दिख रहा है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा टूल है ये। और चलिए आगे देख लेते हैं, कलर लिमिट। कलर लिमिट में क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये रेड रखा है, यानी बैकग्राउंड इसका रेड दिख रहा है, बाकी ये सब जो है ना थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। कम करके देख लेते हैं कैसे है, कम करके हमने देखा तो ये ऐसे दिख रहा है, यानी बैकग्राउंड थोड़ा लाइट हो गया। और इसको दूसरे कलर में चेंज करके देखते हैं, अब ये ऐसे दिख रहा है ना, कलर लिमिट में ये होता है। इसको और ज़्यादा करके देखते हैं और ज़्यादा ये डार्क हो गया। अब कस्टम कलर मैप, अब ये देख, ये क्या चीज़ है, अब इसमें दिखा रहा है फ्रॉम और टू, इतने से, यानी फ्रॉम जो है, जैसे ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है ब्लू कलर का दिखाने लगा है, बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डार्क रेड में यानी मरून कलर में दिखाई देने लगा है, ठीक है ना। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उसका अपोजिट हो गया है ना। और ये कलर हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हमने चेंज कर दिया और ये हमने चेंज कर दिया, इसका अंदाज देखिए कैसे हो गया, ये क्या लुक है। तो फिश आई तो बता ही दिया था, हीट मैप देख लेते हैं, हीट मैप क्या है। हाँ, हीट मैप ये भी ज़बरदस्त ऑप्शन है, बड़ा खूबसूरत लगता है ये, है ना। ये कैसे दिख रहा है, क्या अंदाज है इसका दिखने का, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं क्या होता है, बढ़ा दिया तो क्या लुक इसका चेंज हो गया, है ना। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको हम और अगर बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे जितना ज़्यादा डार्क है वहाँ पे रेडिश दिखा रहा है, यहाँ पे लाइट है यानी वाइटनेस है, तो वहाँ पे थोड़ा सा येलोइश दिखा रहा है, ये और बड़ा करके देख सकते हैं। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है, इसको बाहर रखेंगे तो इधर कुछ भी नहीं दिखेगा, जहाँ जहाँ पे कलर अप्लाई हुआ है बैकग्राउंड में वहीं वहीं ये अप्लाई होगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे यहाँ हमने किया, अब इस पोर्शन को हमें फ्रीज करना है, इसको काट के निकालना है, ठीक है। यहाँ हमने किया, अप्लाई किया ये, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अनग्रुप कर लिया हमने, अनग्रुप करके देखिए ये अलग अलग हो गया ये, और ये जो है क्या बना हुआ है, ये भी कितना अच्छा लग रहा है ना, ये भी ज़बरदस्त दिख रहा है। और इसका कलर कैसे चेंज हो गया है, किस तरीके से कलर इसका चेंज है। अब अगला ऑप्शन है इन्वर्ट, इन्वर्ट में उसका अपोजिट हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर में क्या होता है, ये जो है जूम करके दिखाता है, ये जिस तरीके से जूम टूल होता है, जूम करके दिखाता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई चीज़ बारीक बारीक अगर लिखा हुआ है, तो ये चीज़ अभी मैं दिखा देता हूँ, जिससे इसको मैं बहुत छोटा करके दिखाता हूँ, इतना छोटा कर दिया और इसके ऊपर रखते हैं, जैसे कितना अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है ये, आप देख सकते हैं ये 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 बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ना ये। और ऐसे करेंगे तो बिल्कुल बहुत बारीक बारीक दिखाई दे रहा है, ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये जूम करके दिखाता है, इससे लेंस बनाया जा सकता है। ये टिंटेड, देखिए टिंटेड, इसका भी क्या इफेक्ट है,
देख रहे हैं टिंटेड कलर क्या इफेक्ट है, ये सेम एक ही कलर में दिखेगा, टिंटेड करके दिखेगा, यानी थोड़ा सा डिम करके दिखाएगा, लाइट करके दिखाएगा, ये एक ही कलर, जैसे ये कलर हमने दे रखा है तो इस कलर का जो है थोड़ा सा लाइट में दिखा रहा है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके आप देख सकते हैं ये कैसे हो गया इसका लुक। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ये ट्रांसपेरेंट हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इसका कलर चेंज करके ऐसे ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वायर फ्रेम, वायर फ्रेम भी देख लीजिए क्या है ये वायर फ्रेम, ये जहाँ जहाँ पे कलर अप्लाई हुआ है वहीं वहीं पे जो है ये क्या करता है कि बिल्कुल सॉलिड कलर दिखाता है, फिल कलर में सॉलिड कलर दिखाएगा। और जैसे ये है यहाँ पे ये कैसे दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर आउटलाइन हो ना, इसमें आउटलाइन बनी हुई हो तो वो येलो में दिखाएगा, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं हम, और ये ऐसे दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं ना ये कैसे दिखा रहा है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट अंदाज में कैसे दिखा रहा है ये यहाँ करेंगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये उम्मीद है ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इससे क्या होता है। फिलहाल वैसे ये चीज़ बता दिया, ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है लोगो वगैरह बनाने के लिए, कोई ग्लोब वगैरह है ग्लोब बनाना है तो ग्लोब के लिए भी ये अच्छा होता है। इसे ग्लोब के लिए देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो। तो ये आपने देख लिया कि जैसे कोई ग्लोब वगैरह है ये कैसे बना दिया, ये चीज़ यहाँ से हटाएंगे देखेंगे कैसे दिख रहा है, और यहाँ रखेंगे ये किस तरीके से दिख रहा है। इसको हम फ्रोजन करके ये फ्रोजन कर दिए, और अब जो है इसको इस वाले पोर्शन में जैसे हम यही वाला कलर फिल कर दें, इसको डिलीट कर दें, अब ये कैसे दिखने लग गए। अब इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं, इससे अंदाजा लग गया होगा ये कैसे बन गया, ये है ना कितना जबरदस्त इफेक्ट है, ये है ना ग्लोब बन गया ये। तो इस तरीके से इसका यूज होता है, उम्मीद है कि आप ये भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जैसे कोई बॉल बनाना, फुटबॉल बनाना है वो भी बन जाता है, और इससे रिलेटेड कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है राउंड शेप में, जैसे हमने बना दिया ये, अब ये फिश आई अप्लाई कर देंगे, देख रहे हैं ना ये किस तरीके से बन गया। इसको हम और कम कर सकते हैं, है ना, और भी कम कर देंगे, कैसे बन गया ये, यहाँ फ्रोजन करके अप्लाई कर देंगे, ये हो गया है। अब इसमें कलर डाल देंगे इस तरीके से, 3D लुक में बना देंगे इसको, ऐसे लगेगा कि ये बॉल है ये। और एक फुटबॉल बनाने के लिए जैसे हमने ऐसे किया, एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ इस तरीके से बनाया जा सकता है, बाकी जब इसको परफेक्ट बनाना हो तो इत्मीनान से और अच्छे से इसको बैठ करके बनाया जा सकता है। अब इसको और अच्छा लुक देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ये एक एक जो है ना, कभी कभी इसमें दिक्कत ये आती है ये खुल जाता है, इसका मुंह जो खुल जाता है, तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद इसमें एक इफेक्ट और अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कंटूर है, ये कंटूर करने के बाद ये ऐसे ऐसे हमने कर दिया, ठीक है, ऐसे जितना है सब में आप कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद इसको हमने कंट्रोल के किया, और इसकी विड्थ बढ़ा करके जैसे एक पॉइंट कर दिया, यहाँ से ये वाला लुक दे दिया, या ये कर दिया, ऐसे कर दिया, है ना, अब ये खूबसूरत लग रहा है ना। इसका कलर जो है चाहे ब्लैक ही रहने दे दिए, ये ब्लैक दे दिया, ऐसे हो गया ये, या इसमें भी कलर अलग अलग फिल किया जा सकता है, सॉरी इसमें भी अलग अलग कलर फिल किया जा सकता है, ये ऐसे कर दिया। अब जैसे ये है, यहाँ पे जाके क्लोज कर्व कर देंगे, क्लोज कर्व करने के बाद फिर यही टूल लेंगे, ले करके ऐसे कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ भी जाएंगे, सॉरी इसमें जाएंगे, यहाँ कर दिए, फिर वही टूल ले करके
और यहां से आपके कॉपी कर सकते हैं, एक बना के ये कॉपी कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से इसका लुक अच्छे से दिया जा सकता है। ऐसे करके यहाँ गए, यहाँ से कॉपी किया, ये अप्लाई कर दिए, तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया इस तरीके से ये कैसे बनाया जा सकता है ना। इस तरीके से ये भी बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।